हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, 10 नंबर सलाई ली है। और देखिए यहाँ पे मैंने फिश की डिजाइन डाली हुई है इस डोरमेट में, और ये सेंटर में मैंने लहरिया की डिजाइन डाली है, यहाँ पे प्लेन बनाया है, और इस तरह से मैंने इसको बना के कम्प्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने बूल को डबल कर रखा है। बूल थोड़ी पतली है, इसलिए आप इसको पुरानी बूल से भी बना सकते हैं या साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसे किया और इसमें से इस बूल को ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे एक फंदा बन के तैयार हो गया। आपको किसी भी तरीके से इस तरह से एक नॉट बना लेनी है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से घुमाऊंगी और इसको बुनूंगी। ऐसे वापस इसको पलट लिया, ऐसे घुमाया, इसको बना लिया, फिर इसको बनाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए मुझे बनाना है। देखिए फिर से पलट लिया और ऐसे, यहां से वापस ऐसे घुमाएंगे और इसको बुनेंगे। ये देखिए, और इस बूल को हम इसमें ऐसे दबाते हुए ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए यहां से घुमा लिया, इसको बुन लिया। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 8 फंदे हो गए। इसी तरीके से हम 21 फंदे तक इसको बनाएंगे। आप बड़ा बनाएं तो 31 फंदे, 51 फंदे इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे मैंने 21 फंदे तक इसको बना लिया। अब देखिए हम दोनों तरफ से फंदा कटाएंगे। अभी हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे 2 का 1 कर दिया, उसके बाद हम ये फंदे बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए अब यहाँ पे भी हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए सिर्फ हम उल्टे तरफ से फंदा घटाएंगे, सीधे तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। सीधे तरफ से हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए अब इधर से पूरी रो उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए पूरी रो कंप्लीट हो गई। यहां से फिर से पलट लेंगे। अब यहां से फिर से 2 का 1 करेंगे और इधर भी 2 का 1 करेंगे, और इधर से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, और लास्ट हम एक फंदा पे इसका एंड कर देंगे। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक फंदे तक इसको बना लिया है। इस फंदे को मैंने अभी बड़ा कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए यहां से हम इसमें फंदे उठाएंगे, तो फंदे हम इस कलर से उठाएंगे। ये देखिए सेंटर वाली रो से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो बीच वाली रो है उसमें से एक, हर एक रो में से एक फंदा उठाएंगे हम। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
बारह ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे उठाए हैं मैंने, और इस फंदे को हम ऐसे करके बना लेंगे। ऐसे देखिए यहाँ से बना लिया, ये सेंटर का फंदा रहेगा। आप देखिए यहीं से हम इसी सलाई से फंदे उठा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 3 सलाई से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देखिए लास्ट यहाँ पे 15। तो यहाँ पे भी मैंने 15 उठा लिया। अब टोटल मेरे पास यहाँ पे 31 फंदे हो गए, 15 इधर और 15 इधर, 30 और एक सेंटर का। अब यहाँ से हम इसको उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इधर से हम पूरी रो उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक, और इस वाली बुल को हम ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे ताकि ये मुझे यहाँ से बाद में लगानी है बुल। ये तो यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए उल्टे तरफ से रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से इधर से भी उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर का फंदा है उसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हम इस फंदे को देखिए एक बार ऐसे बुनेंगे उल्टा, यहाँ से बुल निकालेंगे, एक बार सीधा वापस बुल ऐसे करेंगे, एक बार फिर से उल्टा। तो एक फंदे से 3 फंदे हो गए। अब इधर के हम उल्टा बनाते हुए पूरी रो जाएंगे। इस तरह से यहां से इधर की पूरी रो हम उल्टा बुन देंगे लास्ट तक। ये देखिए उल्टी रो मैंने पूरी कर ली। अब यहां से हम फिर से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए सेंटर के फंदे पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे। यहां पे मैं 4-4 रो बनाऊंगी दोनों कलर से। ये देखिए जो सेंटर वाला फंदा आ गया, एक फंदा मैंने इधर को बुन लिया, 3 में से एक इधर छोड़ेंगे, सेंटर वाला है उस पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो एक बार हम ऐसे ऐसे बुनेंगे, यहाँ से बुल करेंगे तो एक बार सीधा, यहाँ से बुल वापस कर ली, एक बार उल्टा, तो फिर से एक फंदे से 3 फंदे। अब इधर के फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। आप देखिए यहाँ पे ये 4 रो कंप्लीट होती हैं, 2 गांठ स्टिच इधर आ गई हैं। अब यहाँ से हम ये वाला कलर फिर से लगा लेंगे, येलो वाला। ये देखिए पूरी रो अब हम येलो से बुनेंगे, और इसी तरीके से हम इसे बना के आगे कंप्लीट करेंगे। तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो बना ली हैं, और यहाँ पे 8 फंदा इधर बढ़े हैं, 8 फंदा इधर बढ़े हैं, 16 फंदे बढ़ गए हैं इसमें। आप देखिए हम फंदे इसमें घटाएंगे, तो दोनों तरफ से मुझे एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। यहाँ पे 2 का 1 कर दिया,
और अब सेंटर में मैं कोई फंदा बढ़ाऊंगी नहीं, आप अपने डोरमेट के हिसाब से इसमें फंदे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा डोरमेट हो उसी हिसाब से आपको अपने हिसाब से फंदे इसमें रखने हैं। ये देखिए अब मैं सेंटर में कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, यहाँ पे देखिए ऐसे ही इसको बुन लूंगी। इस रो में लास्ट तक बना लेती हूँ मैं, ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। यहाँ पे भी मैं दो का एक कर दूंगी ऐसे। अब देखिए इधर से घटा दिया, अब इधर से भी हम घटाएंगे दोनों तरफ से, यहाँ से हम फिर से दो का एक करेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसे उल्टा बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक ऐसे। तो हम बना लेते हैं, ये देखिए लास्ट तक मैं बना चुकी हूँ इसको। अब यहाँ से दो का एक कर दिया और वापस इसको पलट लिया ऐसे, ये देखिए। और यहीं से फिर से हम इधर से दो का एक करते हुए जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे चार चार रो बनाते हुए दोनों कलर से, यहाँ पे 12 फंदे लास्ट में रह जाएंगे सेंटर में, दोनों तरफ से फंदे घटाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12। अब देखिए यहाँ से हम येलो कलर लगाएंगे और कोई फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ से ऐसे ही इसको बुनेंगे फंदा बढ़ाते हुए। अब मैं यहाँ से पहले एक रो बना लेती हूँ इसकी, ये देखिए। ये 12 फंदे बना लिए, अब हम यहाँ से फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से घुमाया, इसको बना दिया, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इसको अब बनाएंगे फिर से। ये देखिए इस तरह से यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे, एक फंदा बढ़ गया, आप देखिए ऐसे ही मैं दोनों तरफ से बढ़ाते हुए मैं इसको बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ पे 22 फंदों तक मैंने इसको बना लिया है। आप देखिए सारे फंदे मैं यहाँ से क्लोज करूंगी, दो दो इस तरह से, दो दो करते हुए दो का एक, वापस दो का एक, इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे।